अस्सलाम वालेकुम जी। पहली पहली सहरी मुबारक प्याजों के साथ। प्याज अंडा बना रही हो ना? प्याज अंडा बन रहा है, चाय भी पक रही है। हमारा चूल्हा थोड़ा ख़राब है, इग्नोर कीजिएगा। रोटी बन गई? हाँ, रोटी तो अभी प्याज अंडा बन चुका है और अभी हम खाते हैं। हमारी चाय भी गरम गरम आ चुकी है और ये रही हमारी रोटी। रोटी के साथ जी खाएंगे। आप लोग भी बताना कि आपके घर में क्या क्या पका है। अभी सबको बुलाएंगे, अब्बू ने खा लिया पहले ही। यहाँ जी मैंने कहा चले मैं भी कर लूँ नाश्ता, हाथ भी उठ गया था, उसको भी मैंने कहा चले साथ साथ करवा देते हैं। और यहाँ मुझे ज़ुकाम हो रहा है, छीके माँ मार के देखे मेरा मुँह पूरा लाल हुआ पड़ा है। तो भी बस फटाफट करते हैं, फिर टाइम भी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब? उम्मीद है कि जी ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद हो। तो हमारे हम सब की तरफ से कल मैंने शॉर्ट वीडियो में भी कहा था कि चले अपने ब्लॉग में भी आप सबको मुबारकबाद दे दूँ। रहमतों बरकतों का महीना शुरू हो चुका है, सावधारी इबादत ही कर लिया है, रमज़ान करते हैं। लेकिन इस रमज़ान ज़्यादा करनी है कि हमें पता नहीं है कि हमारी ज़िंदगी का ये आखिरी रमज़ान है, आगे नसीब होगा या नहीं होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करनी है, दुआएँ करनी है सबके लिए। और बस अभी सुबह हो चुकी है और मैं भी उठ गई हूँ। सबसे पहले इनको नाश्ता वास्ता करवाया बच्चों को, किचन भी साफ़ हो गया और बस अभी इनकी दवाई का टाइम है। तो आज जैसे पहला रोज़ है तो देखते हैं कैसे चलता है और आगे जो होगा वो भी शेयर करेंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करना, वीडियो भी पूरी देखना। उम्मीद है जी अच्छा लगेगा आप लोग। चलो हादी, चलो चलो हारिस। तो इस जनाब ने कहा जी असर का टाइम हो गया है, नमाज पढ़ के। तो उसने कहा फ्रूट चाट तो बनाऊंगा मैं। हमने कहा चलो जी काम भी बढ़ जाएगा तो तुम बनाओ। और रात के खाने में तो रही और कान में फुसल फुसल क्यों कर रही हो? और ये रात के खाने की बन रही है तुरई, साथ में रोटी। और इफ्तार हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा गुजरा रोज़ा है ना? पता नहीं चला, मौसम अच्छा था ना तो पता ही नहीं चला कि रोज़ा था या नहीं था। बन गया, ये बन चुकी है बस। तुरई आज अच्छी ना पकी ना तुम्हारे हाथ कटवा दिए जाएंगे। अच्छा हाँ। अच्छी बननी चाहिए, मुझे पसंद आनी चाहिए। तो एक तो इन मैडम के नखरे खराब, बस नखरे हैं क्या करें, ये नखरे तो हैं जो चल रहे हैं। रोजा कैसा रहा? बहुत अच्छा। तीन तीन शिफ्टें इस बुखड़ ने लगाई हैं, तीन तीन शिफ्ट पूरे डोंगे खाली करके उठा है। अब इसका पेट यहाँ तक फुल है, चाय भी पी ली और अभी ये नींद के उसमें है। तो चले हम यही व्लॉग का एंड करते हैं। उम्मीद है अच्छा लगेगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में रमज़ान के रोज़ों के साथ। बाय बाय कर दो, अल्लाह हाफिज़। अजान हो रही है, फिर अभी तरावी नमाज होगी।